मॉर्निंग एट क्लास, आज मैं आपको हिंदी फर्स्ट में लेसन 6 परमाणु ऊर्जा पढ़ा रही हूँ। अग्नि का प्रयोग मनुष्य ना जाने कब से कर रहा है। आप जानते हैं कि अग्नि बहुत पुराने समय से, आग यानी पुराने समय से लोग काम कर रहे हैं। इससे हम भोजन बनाते हैं, पानी गर्म करते हैं, इसकी सहायता से भाप के इंजन चलाए जाते हैं, बहुत से उद्योग धंधे भी चलते हैं, बिजली उत्पन्न करी जाती है, हमारी मोटर ट्रैक्टर डीजल गाड़ियों की जो डीजल गाड़ियाँ हैं सब जो हैं इंजन सब खनिज तेल के द्वारा अग्नि के द्वारा चले जाते हैं। और इसके जलाने के लिए, ईंधन जलाने के लिए ऊष्मा प्राप्त होती है, तो ऊर्जा का एक रूप है। प्रज्वलन को करने के लिए ईंधन में जलने से ऊष्मा प्राप्त होती है, जो ऊर्जा का एक रूप है। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलाने पर पदार्थ में विद्यमान ऊर्जा का लगभग 1/1000 भाग ही प्राण में प्राप्त होता है। यदि प्रज्वलन यानी जलना के आधार पर समस्त विश्व को कल कारखाने चलते रहेंगे तो शीघ्र ही हमारे जो संसार से है, हमारे धरती से प्रकृति के ईंधन के भंडार यानी ईंधन से संबंधित जो भी चीज़ें तेल लकड़ी वगैरह ये सब खत्म हो जाएंगे। इस मानव जीवन के विकास के लिए आवश्यक है कि ऊर्जा के लिए प्रज्वलन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के स्थान पर अतिरिक्त साधन ढूंढे जाएं। तो 20वीं शताब्दी के वैज्ञानिकों ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। आइंस्टीन नामक सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक ने ऊर्जा के परस्पर संबंधों का बहुत सूक्ष्म विश्लेषण किया। यह सिद्ध किया कि पदार्थ की बहुत सूक्ष्म शक्ति यानी छोटे छोटे पदार्थ एक साथ मिलकर ऊर्जा में परिवर्तित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि 500 ग्राम पत्थर के कोयले की संपूर्ण 500 ग्राम पत्थर को कोयले की संपूर्ण द्रवों को मिला लिया जाए तो वो उसमें ऊर्जा प्रवर्तित हो जा सकती है। इतनी ऊर्जा प्राप्त होगी कि उसकी सहायता से संसार के बड़े से बड़े जलयान पर समस्त पृथ्वी के चक्कर से आसानी लगा सकेंगे। एक मोटर गाड़ी को महीनों के लिए चलाया जा सकेगा और प्रज्वलन से प्राप्त ऊर्जा तो इसके सम्मुख कुछ भी नहीं होगी। प्रश्न ये उठता है कि द्रव्य में विद्यमान अपार ऊर्जा को किस प्रकार प्राप्त किया जाएगा। तो वैज्ञानिकों ने बताया कि परमाणु विखंडन द्वारा, परमाणु के द्वारा हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को समझने के लिए परमाणु रचना का कुछ ज्ञान आवश्यक है। विश्व में जितने पदार्थ पाए जाते हैं ना, वो जो हैं या तो तत्व होते हैं या तत्वों से निर्मित होते हैं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, लोहा, सोना, तांबा आदि तत्व हैं, परंतु पानी तत्व नहीं है, क्योंकि यह ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना है। पर तत्व भिन्न प्रकार के होते हैं। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया कि तत्व परमाणुओं से निर्मित होते हैं तथा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। किसी तत्व का परमाणु वह सूक्ष्मतम या छोटे छोटा कण है जिसमें उस तत्व के सभी गुण विद्यमान होते हैं। विभिन्न परमाणुओं के संयोग से यानी मिलने से ही सृष्टि की रचना हुई है। इन परमाणुओं के सबसे प्रबल सूक्ष्मदर्शी द्वारा भी बड़े से बड़े सूक्ष्मदर्शी हम नहीं देख सकते, क्योंकि ये बहुत ही छोटे होते हैं और इनकी सूक्ष्मता का अनुमान लग सकता है कि एक बूंद पानी में लगभग 3300 परमाणु होते हैं। इसी बात से हम यह से कह सकते हैं कि यदि मनुष्य का आकार एक परमाणु के बराबर हो जाए तो वो एक पूरी आलपिन के सिरे पर समा सकता है। इतना सूक्ष्म परमाणु फिर भी इतनी अपार शक्ति, इसे जानने के लिए हम इसकी रचना के बारे में जानेंगे। 19वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों की धारणा थी कि परमाणु अविभाज्य है और परंतु 20वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में वैज्ञानिकों ने कुछ प्रयोगों द्वारा सिद्ध किया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। उसमें ऋण एवं विद्युत आवेश से युक्त कण पृथक पृथक विद्यमान है। इन कणों के नाम क्रमशः न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन है। बाद में पता चला कि परमाणु में कुछ आवेश शून्य भी हैं से मौजूद होता है, इन्हें न्यूट्रॉन की संज्ञा दी गई। और प्रयोगों द्वारा यह भी सिद्ध हुआ कि प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन अधिक भारी कण तथा हैं, ये तथा परमाणु के केंद्र में विद्यमान होते हैं और जो प्रोटॉन का लगभग 2000वां भाग है। इस केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और ये इस केंद्र के चारों चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन इस केंद्र के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन की संख्या समान होती है। परमाणु के केंद्र को नाभिक कहते हैं तथा परमाणु की संख्या इसी से केंद्रित होती है। अधिक भारी परमाणुओं में हल्के परमाणुओं की अपेक्षा प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है। यूरेनियम, रेडियम, थोरियम, प्लूटोनियम आदि भारी परमाणु हैं तथा हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन आदि हल्के परमाणु हैं।